नमस्कार, निवेश को तेजी मंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ हेमा धौला खंडी। दो दोस्त हैं, राज और रमेश। राज ने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाए और उसका रिटर्न 15% रहा, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ 1,13,000 ही आए, ना कि 1,15,000। वहीं रमेश ने भी 1 लाख रुपए लगाए और उसका रिटर्न भी 15% रहा, लेकिन उसके हाथ में 1,14,000 आए, क्योंकि दोनों के एक्सपेंस रेशियो में अंतर था। पहले कुछ साल तो राज को लगा 1,000 से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अंतर बढ़ता चला गया। अब दोनों के रिटर्न में लाखों का डिफरेंस आने लगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सारा कमाल ही कंपाउंडिंग का होता है। 1,000 रुपए भले ही राज के लिए मायने न रखते थे, लेकिन लाखों का डिफरेंस भला किसे दुखी नहीं करेगा। सारा खेल जो है वो है एक्सपेंस रेशियो का। इसलिए आप भी राज की तरह गलती ना करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले ये जान लें कि आखिर आपसे एक्सपेंस रेशियो कितना वसूला जाएगा और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए बात करते हैं पहले कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। भला आज की दुनिया में कौन आपका काम फ्री में करेगा, इसलिए ये भी ना सोचे कि म्यूचुअल फंड की सर्विसेज आपको फ्री में मिल जाएंगी। AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सपेंस रेशियो के रूप में आपसे अपनी फीस लेती हैं। कुल मिलाकर आपके फंड को मैनेज करने पर जो खर्च आता है उसे प्रति यूनिट के हिसाब से लिया जाता है, इसे ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। खर्च का अर्थ है कि जो टीम सेल और बाय कर रही है उस टीम का खर्च, ऑडिट का खर्च, रजिस्ट्रार से जुड़ा खर्च व मार्केटिंग आदि से जुड़ा खर्च, ये सब फंड की यूनिट खरीदने वाले निवेशक से लिया जाता है। अब इसे कैलकुलेट करने की बात करें तो भले ही इसे वार्षिक तौर पर दर्शाया जाता है, लेकिन इसे कैलकुलेट प्रतिदिन किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन या हर एक दिन का अर्थ है कि ट्रेडिंग वाले दिन इसे कैलकुलेट किया जाता है। अब चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपसे चार्ज लिया ही जाता है। अब इस हिसाब से NAV हर रोज बदलती रहती है, यानी एक यूनिट की वैल्यू। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक्सपेंस रेशियो हर दिन निकाला जाता है और इसे NAV कैलकुलेट करने से पहले ही काट लिया जाता है। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 2% है तो आपके एक दिन का एक्सपेंस रेशियो निवेश मल्टीप्लाइड बाय 2% डिवाइडेड बाय 365 डेज होगा, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। यानी अगर आपका निवेश 1,00,000 रुपए है तो आपका एक दिन का एक्सपेंस रेशियो होगा 5.47 रुपीस। ये भी याद रखें कि एक्सपेंस रेशियो हर दिन अलग होता है, ये आपके निवेश के अमाउंट के साथ घटता और बढ़ता है। और ये भी याद रखें कि एक बार जो एक्सपेंस रेशियो आपसे लिया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वही हमेशा बरकरार रहे। AMC इसे बदल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें एक्सपेंस रेशियो बदलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा। ये भी जरूरी नहीं कि AMC एक्सपेंस रेशियो में अपनी मनमानी चला सकती है। वे SEBI की गाइडलाइन के अनुसार ही कैटेगरी वाइज एक्सपेंस रेशियो को एक सीमित संख्या तक ही बढ़ा सकते हैं। SEBI ने इसके लिए स्लैब बनाए हैं। ये स्लैब ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों के AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट पर बेस्ड हैं। जैसे 500 करोड़ रुपए वाली एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली स्कीम में एक्सपेंस रेशियो 2.25% तक चार्ज किया जा सकता है। 500 से 750 करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली स्कीम में एक्सपेंस रेशियो 2% तक हो सकता है। 750 से 2000 करोड़ रुपए वाली स्कीम में एक्सपेंस रेशियो 1.75% तक हो सकता है। 2000 से 5000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली स्कीम में 1.6% तक एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। वही 5000 से 10000 करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली स्कीम में एक्सपेंस रेशियो 1.5% तक हो सकता है। 10000 से लेके 50000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली स्कीम में एक्सपेंस रेशियो हर एक 5000 करोड़ रुपए के बढ़ने के बाद 0.05% कम होता चला जाता है। अगर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है तो फंड हाउस 1.05% एक्सपेंस रेशियो ले सकता है, यानी कि फंड को बढ़ाएं।
सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि क्या ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड नुकसानदायक होते हैं? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आपको बहुत से फैक्टर पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, पर रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि रेगुलर प्लान खराब है। इसका एक्सपेंस रेशियो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन देना होता है, वहीं डायरेक्ट प्लान में कमीशन नहीं दिया जाता। ऐसे ही अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक फंड मैनेजर जो उस काम में माहिर है वो आपको बढ़िया रिटर्न दिलाने के लिए एक्टिव तौर पर काम कर रहा होता है। इक्विटी में रिटर्न भी अन्य के मुकाबले ज्यादा होता है। वही डेट में बात अलग होती है, क्योंकि यहाँ रिटर्न उतना ज्यादा नहीं होता, तो कोशिश करें यहाँ कम एक्सपेंस रेशियो वाले AMC का चुनाव करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मास्क पहनना ना भूलें।